हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी आप लोगों को मेरे कंधे पे बैग दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि मैं कहीं जा रहा हूँ। और मैं हूँ अभी भुरकुंडा रेलवे स्टेशन में, और हमेशा की तरह भुरकुंडा रेलवे स्टेशन में काले हीरे का बिजनेस काफ़ी जोर शोर से चलता हुआ। हालांकि रात में बारिश थोड़ी कम हुई थी, इसलिए स्टेशन में धूल गंदगी थोड़ी सी कम है। थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ कुछ पता नहीं है, और मेरे ट्रेन के आने की सूचना भी हो चुकी है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करते हुए जाऊंगा। तो मैं ऐसा फाइनली है कि मैं भुरकुंडा भी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए छोड़ रहा हूँ। हमारी ट्रेन थोड़ी देर पहले है और मैं ट्रेन में थोड़ी देर पहले बैठ चुका हूँ। आसपास देखने से तो ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ देर पहले ही बारिश हुई और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा डाउन जा चुका है। प्लेटफॉर्म पर पानी की बूंदें आप सभी को साफ दिख रही होगी, तो काफ़ी बारिश। और हमारे सामने से बरवा डिगोमो पैसेंजर पार होते हुए अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम टोरी जंक्शन स्टेशन पे पहुंच गए हैं। काफ़ी साफ़ और सुंदर यहाँ का प्लेटफॉर्म और स्टेशन है। टोरी से खुल चुकी है। 5 मिनट रुकने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन टोरी के सुंदर प्लेटफॉर्म से निकलते हुए, और ये रेलवे ने अपनी नए नए सुंदर कॉलोनियाँ भी फिलहाल में ही बना के तैयार की है। बारिश की वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो चुकी है और सुबह से धूप भी नहीं निकली है, तो काफ़ी ठंड लग रही है। ट्रेन में हवा भी लगती है। रेलवे ट्रैकिंग का काम इधर चल रहा है साइड में, और मजदूर अभी बैठ के लग रहा आराम कर रहे हैं। जब भी ट्रेन स्पीड चल रही है तो ऐसे ही आवाज़ कर रहा है, डर भी लग रहा है कि कहीं चक्के वक्के खुल के फिका ना जाए। तो अभी 12 बज रहे हैं और फाइनली अब जाके धूप निकली है। और ये इन भाई साहब को देखो कैसे दौड़ रहे, जब ट्रेन खुल गया तब एक बोतल भी गिरा दिया अपना। हमेशा ये ट्रेन आप लोगों को खाली ही दिख जाएगा। कुछ खाने पीने के लिए मिल भी नहीं रहे, पता नहीं सारे लोग कहाँ चले गए। ट्रेन खाली है, इसी वजह से शायद इस ट्रेन में बेचने वाले चढ़ते भी नहीं हैं। फाइनली गाइस, जब मैं अपने मंजिल पर पहुँच चुका हूँ, मुझे जपला आना था तो मैं अपने जपला स्टेशन पर पहुँच गया हूँ। दिन में काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र रहा और आने में लगभग 6 से 7 घंटे लग गए। ट्रेन काफ़ी रुक रुक कर आई है। ये रही ट्रेन में जिससे उतरा हूँ। तो जर्नी में ज़्यादा कुछ वैसे दिखाने को खास रहा नहीं, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नए से ब्लॉग में।